नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक साथियों की टैबलेट क्रय की प्रक्रिया पर। जी हां साथियों, बहुत सारे शिक्षक साथी नवीन टैबलेट क्रय कर चुके हैं और नवीन टैबलेट क्रय करने के उपरांत अपनी जानकारी भी दर्ज कर चुके हैं। उसी क्रम में लगातार शिक्षक साथियों का एक प्रश्न हमारे पास आ रहा है, जिसे लेकर शिक्षक साथी बहुत ज़्यादा चिंतित दिख रहे हैं। शिक्षक साथियों का कहना है कि उन्होंने जो जानकारी अपलोड की है उनमें उनसे त्रुटि हो चुकी है। देखिए, आप सभी को मालूम है जानकारी अपलोड करते समय हमें कुछ फोटोग्राफ अपलोड करने हैं, जिसमें पहले नंबर पर हमें जो हमने टैबलेट क्रय किया है उसके बॉक्स का फ्रंट हमें अपलोड करना है, दूसरे नंबर पर बॉक्स का बैक फोटो हमें अपलोड करना है और तीसरे नंबर पर हमने जो टैबलेट क्रय किया है उसका इनवॉइस हमें अपलोड करना है। अब बहुत सारे शिक्षक साथियों का कहना ये है कि हमने गलती से पहले कॉलम में इनवॉइस अपलोड कर दिया है, यानी कि जहां पर टैबलेट का फ्रंट फोटो अपलोड होना था वहां पर इनवॉइस का फोटो अपलोड कर दिया है, बिल का फोटो अपलोड हो चुका है, और जहां पर बिल का फोटो अपलोड होना था वहां टैबलेट का फोटो अपलोड हो चुका है, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो यहां मैं सबसे पहले तो शिक्षक साथियों को एक चीज से अवगत करा दूं कि ये आपकी त्रुटि से नहीं हुआ है। जी हां साथियों, आपने तो जो फोटो है वह बिल्कुल सही अपलोड किए थे। आप ये मान के चल रहे हैं कि आपकी गलती से हुआ है या आपकी त्रुटि से हुआ है, तो मैं आपको बता दूं आपने फोटो सही अपलोड किए थे, ये सर्वर एरर के चलते ऐसा हुआ है और बहुत सारे शिक्षक साथियों के साथ ऐसा हुआ है। तो आप निश्चिंत रहें, इससे कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, ये एक सर्वर प्रॉब्लम थी। आपने फ्रंट फोटो की जगह फ्रंट फोटो अपलोड किया था, बैक फोटो की जगह बैक फोटो अपलोड किया था और इनवॉइस की जगह इनवॉइस अपलोड किया था, लेकिन सर्वर एरर के चलते इनका जो क्रम है वह बदल गया। जहाँ फ्रंट इमेज और बॉक्स होना था वहां पर आपका इनवॉइस दिख रहा है। तो इससे शिक्षक साथियों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा और विभागीय अधिकारी भी इस बात से भली भांति अवगत रहेंगे कि ये सर्वर एरर के चलते हुआ है, इससे कोई बड़ी समस्या नहीं है, या हो सकता है आने वाले समय में आपको पुनः जानकारी दर्ज करने का ऑप्शन दिया जाए तो तब आप अपनी जानकारी दर्ज कर दें, और नहीं भी दिया जाता तो आप निश्चिंत रहें आपकी जानकारी सेव हो चुकी है, जो राशि है वह आपके खाते में आंतरित की जाएगी। तो शिक्षक साथी इस चीज को लेकर बिल्कुल टेंशन ना लें, लगातार फोन कॉल्स के माध्यम से यूट्यूब पर कमेंट्स के माध्यम से शिक्षक साथी हमसे ये प्रश्न कर रहे थे। सोचा शिक्षक साथियों के इस कंफ्यूजन को वीडियो के माध्यम से दूर किया जाए ताकि शिक्षक किसी प्रकार के असमंजस में ना रहें और बिल्कुल भी चिंतित ना हो। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और ऐसी जानकारी समय समय पर आप लोगों तक पहुँचती रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।